हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संजीव और आप देख रहे हैं लीगल अड्डा चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके लिए अपडेट है न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से, तो बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ। दोस्तों, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से 121 वैकेंसियां निकाली हैं ट्रेड अप्रेंटिस की, और इस नोटिफिकेशन की एडवर्टाइजमेंट डिटेल आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। यहाँ दोस्तों, इन सभी ट्रेड अप्रेंटिस की वैकेंसियों के लिए एप्लीकेशन फॉर्म जो भरा जाएगा वो ऑफलाइन मोड से भरा जाएगा, और ये एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो चुके हैं 11 जून 2021 से, और आप 15 जुलाई 2021 तक इन सभी पोस्ट के लिए ऑफलाइन मोड से अप्लाई कर सकते हो। यहाँ दोस्तों, इन सभी 121 वैकेंसियों को अलग अलग ट्रेड वाइज बांटा हुआ है। यहाँ सबसे पहली कैटेगरी में जो वैकेंसी है वो है इलेक्ट्रीशियन की पोस्ट। इस पोस्ट पे कुल 32 वैकेंसियां निकाली हैं। यहाँ वो सभी कैंडिडेट जिन्होंने आईटीआई कर रखी है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से, ऐसे सभी कैंडिडेट यहाँ इलेक्ट्रीशियन की पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। अगली कैटेगरी में यहाँ फिटर के लिए कुल 32 वैकेंसियां हैं। इस पोस्ट पे वो सभी कैंडिडेट जिन्होंने आईटीआई कर रखी है फिटर ट्रेड से, वो यहाँ पे एलिजिबल हैं। अगली कैटेगरी में वैकेंसियां हैं यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक की कुल 12 वैकेंसियां। इस पोस्ट पे वो सभी कैंडिडेट जिन्होंने आईटीआई कर रखी है इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक ट्रेड से, वो यहाँ पे एलिजिबल हैं। अगली कैटेगरी में यहाँ वैकेंसियां हैं इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए कुल 12 वैकेंसियां। इस पोस्ट पे वो सभी कैंडिडेट जिन्होंने आईटीआई कर रखी है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड से, वो यहाँ पे एलिजिबल हैं। अगली कैटेगरी में वैकेंसियां यहाँ पे पीएसएए या कोपा के लिए कुल 7 वैकेंसियां। इस पोस्ट पे वो सभी कैंडिडेट जिन्होंने आईटीआई कर रखी है पीएसएए या कोपा ट्रेड से, वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगली कैटेगरी में यहाँ वैकेंसियां हैं वेल्डर के लिए कुल 7 वैकेंसियां। इस पोस्ट पे वो सभी कैंडिडेट जिन्होंने आईटीआई कर रखी है वेल्डर ट्रेड से, वो यहाँ पे एलिजिबल हैं। अगली कैटेगरी में यहाँ वैकेंसियां हैं टर्नर ट्रेड के लिए कुल 7 वैकेंसियां। इस पोस्ट पे वो सभी कैंडिडेट जिन्होंने आईटीआई कर रखी है टर्नर ट्रेड से, वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। अगली कैटेगरी में वैकेंसियां यहाँ पे मशीनिस्ट के लिए कुल 6 वैकेंसियां। इस पोस्ट पे वो सभी कैंडिडेट जिन्होंने आईटीआई कर रखी है मशीनिस्ट ट्रेड में, वो यहाँ पे एलिजिबल हैं। और सबसे लास्ट कैटेगरी में यहाँ वैकेंसियां हैं रेफ्रिजरेशन एंड एसी मैकेनिक के लिए कुल 6 वैकेंसियां। इस पोस्ट पे वो सभी कैंडिडेट जिन्होंने रेफ्रिजरेशन या एसी मैकेनिक ट्रेड से आईटीआई कर रखी है, वो यहाँ पे एलिजिबल हैं। और उसके अलावा दोस्तों, इन्होंने इन सभी 121 वैकेंसियों को अलग अलग कैटेगरी वाइज बांटा हुआ है, जिसकी डिटेल आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि किस कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए यहाँ पे कितनी सीटें रिजर्व रखी गई हैं। और यहाँ दोस्तों, जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उनका जो अप्रेंटिसशिप का ट्रेनिंग पीरियड रहेगा वो 1 साल के लिए रहेगा। अब दोस्तों, बात करते हैं यहाँ पे एज लिमिट की। इन सभी पोस्ट पे 14 से 24 साल तक के कैंडिडेट जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ जो क्रूशल डेट रखी गई है जिसके अकॉर्डिंग कैंडिडेट की यहाँ पे उम्र कंसिडर की जाएगी, वो क्लोजिंग डेट यानी कि 15 जुलाई 2021 रखी गई है। और उसके अलावा यहाँ एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट को अपर एज लिमिट में 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट्स को यहाँ पे 3 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के कैंडिडेट को अपर एज लिमिट में यहाँ 10 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। और यहाँ दोस्तों, जितने भी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे उन सब के लिए एक फिजिकल स्टैंडर्ड इन्होंने इस नोटिफिकेशन में बताया हुआ है, जिसमें कि जो कैंडिडेट की हाइट है वो कम से कम 137 सेंटीमीटर हो, वेट उसका जो है कम से कम 25 किलो 400 ग्राम हो, और चेस्ट का एक्सपेंशन जो है कैंडिडेट का वो यहाँ कम से कम 3.8 सेंटीमीटर हो। तो जितने भी कैंडिडेट यहाँ ट्रेड अप्रेंटिस की इन सभी पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे उन सबको ये फिजिकल स्टैंडर्ड भी यहाँ पे मीट करना होगा। अब दोस्तों, बात करते हैं यहाँ पे मंथली स्टाइपेंड की। पीएसएए, कोपा या वेल्डर ट्रेड से जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे सिलेक्ट किए जाएंगे उनका जो मंथली स्टाइपेंड रहेगा वो 7700 रुपए रहेगा। और इन ट्रेड को छोड़कर बाकी जितनी भी ट्रेड के कैंडिडेट इन पोस्ट पे अप्रेंटिसशिप के लिए सिलेक्ट किए जाएंगे उनका जो मंथली स्टाइपेंड रहेगा वो 8855 रुपए रहेगा। अब दोस्तों, बात करते हैं यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर की। इन सभी पोस्ट पे जो कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा वो आपके आईटीआई में जितने भी नंबर कैंडिडेट ने स्कोर किए होंगे उन्हीं नंबर के बेसिस पे कैंडिडेट की यहाँ पे मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, और इसी मेरिट लिस्ट के बेसिस पे कैंडिडेट का यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन जो है वो किया जाएगा। यानी कि इस अप्रेंटिसशिप के लिए ना तो कैंडिडेट का कोई एग्जाम होगा ना ही कोई यहाँ पे इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। और यहाँ इस नोटिफिकेशन में इन्होंने बताया हुआ है कि कैंडिडेट को इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना होगा। एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अपना कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटो, सारे रेलिवेंट डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्ट करके इनको इनके गिवन एड्रेस पर यहाँ सबमिट कराना होगा। और यहाँ इस नोटिफिकेशन में इन्होंने लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट बताई हुई है, कैंडिडेट को ये सारे ही डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्ट करके इनको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ यहाँ सबमिट करानी होंगे।
और यहाँ इन सभी पोस्ट पे अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट से कोई भी एप्लीकेशन फीस चार्ज नहीं की जाएगी। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट करें और चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।